सम्यक्त्व के बिना थोड़ा प्रयास हो भी गया तो ज्यादा लाभ नहीं मिलता। जे सम्यक्त बिन चारित्र निकिरिया रे बार अनंत किन काजन सरिया रे भाव हिव समकित चारित्र दोनों गुण पा वेदन समर्पण सया लाभ सवायो भाव जे नरक विषय में दुख सयो अनंतो रे तो ए मनुष्य नो किंचित धाम जिन कलपी साधु लिए कष्ट तो आव्या उदय किम थाय अधीरो रे भा श्रीमद् दयाचार्य जो हमारे धर्म संघ के चौथे आचार्य थे, ये आराधना ग्रंथ उनका, तो इसमें कहा गया कि सम्यक्त्व के बिना हमने चारित्र की क्रिया भी अनंत बार पाल ली होगी तो भी काज नहीं सरा मुक्स नहीं मिला। अब समकित चारित्र की प्राप्ति हमें है, व्यवहार में है, हम समकित चारित्र की स्थिति में जो सहन करें, तप करें, साधना करें, उसका सवाया बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लाभ मिल सकेगा। और नरक में भी कितने कष्ट वेदना हमारी आत्मा ने भोगी होगी, ये तो मनुष्य जीवन के कष्ट उसके सामने बहुत थोड़े हैं। जिन कल्पिक साधु है वो चला करके कष्टों को स्वीकार कर लेता है, तो सहज में उदय में आए हुए कष्ट हैं उनको तो हम उनको सहने में दृढ़ता रख